आज है जेट रोड में, यहाँ पे सेल लगा हुआ है, तो आप लोग को आगे कटक जाऊंगा इंशाल्लाह, आप लोग देखते जाइए इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, बहुत शोर है यहाँ पे, लोग आए हुए हैं, यहाँ पे सेल लगा हुआ है, देख ले। डेढ़ सौ डेढ़ सौ का खड़ो मसला नहीं है, डेढ़ सौ को दे होगा, पाओ डेढ़ सौ को दे, बड़े बड़े खेले हैं, बड़े बड़े अच्छा था, परवाह नहीं है वो तो, अल्लाह सेहत करेगा ना। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह सेहत देगा, हम गिर गए, हाँ अल्लाह का एहसान है, बच गया, टूटने से बच गया, बस वही है। ओले कम करो यार, तो क्या करेगा, दो दाना और डालो, हाँ दो सही, अच्छा अच्छा। यहाँ तो मैंने लिया हुआ है केला, सस्ते मिल रहे तो मैंने कहा चलो बहुत केला भी ले ले, कुछ बादरंग मैंने लिए हुए हैं, कुछ तूम लिए हुए हैं, सुना है कि तूम तो इसके लिए भी अच्छा है, और इसके अलावा अल्लाह खैर करे ये कहते हैं इसको सुबह सुबह नाश्ते से पहले, नाश्ते से पहले न्यारमू आप लोग इसको छोटा साइज, बड़ा तो मुश्किल है गले से गुजर जाए, छोटा साइज आप उसको उठा के खा लेना पानी के साथ नाश्ते से पहले, तो ये हर बीमारी का इलाज है। तो मैंने इसीलिए आज लिया तो है, मैंने ये देखे आप लोग को मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ये देखे वो भी मैंने छोटे साइज लिए हुए, चुन चुन के मैंने छोटे साइज लिए, पर गुजारा तो हुआ, फल तो छोटे तो नहीं थे, फल मैंने गुजारा लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ जेट रोड में, आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ पे आया हूँ ये लेने के लिए, तो मैंने कहा चलो आते ही हुए रास्ते में तो मैं यहाँ पे ये भी तुम भी ले लूँ, ये सेहत के लिए भी अच्छा है, सुबह सुबह निहार लूँ आप लोग खा ले, तो ये इसमें बड़ा बड़ा ही फायदा है। तो ये जेंट रोड में जो बेंजीन फ्लाई ओवर है ना उसके नीचे, यहाँ इस टाइम बड़ा सस्ता मिलता है, मैं कहता हूँ शायद मैं कहूँ कि नीलाम लगता है, और बड़ा रशकश बड़ा शोर है। तो यहाँ से मैंने ये लिया, पहले तो घर से निकलते ही तो मैंने सबसे पहले तो मैंने उठाया अपना ये मशीन कपड़े धोने वाला, ये देखें ये पड़ा हुआ है, ये लेने के बाद उसके बाद ये हम लकड़ी साइड करो अपना, हाँ तो वो लिया, उसके बाद इंशाल्लाह तो ये लेने के बाद मशीन अपना उठाने के बाद आया जेंट्रोल, ये देखे सारा कुछ लिया हुआ है, और केला भी है, केला भी अच्छा है सेहत के लिए, केले से सुना है बहुत है इसमें, मगर सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, और अल्लाह खैर करे। ये टमाटर भी लिया हुआ है, छोटे छोटे टमाटर, बड़े तो नहीं बड़े है, छोटे छोटे मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ दाने दिखाऊंगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये देखें इतने बड़े नहीं है। यहाँ पे इस टाइम बड़ा सस्ता हो जाए, ये बड़ा ही सस्ता और बड़ा ही बड़ा ज़बरदस्त मिल जाता है, तो इसीलिए यहाँ से मैंने लिया अपने लिए, ये टमाटर भी लिए मैंने, चलो कुछ लेते हैं टमाटर भी लेते हैं, तो ये भी लिए मैंने, और अल्लाह खैर के तुम भी लिया, कि तुम को मैंने कहा ले लूँगा, तुम तो अच्छा है, इसीलिए बस मौका नहीं मिला, आज मौका मिल के मैंने कहा चलो तुम भी ले लेते हैं इंशाल्लाह, दांत के भी अच्छा, सेहत के लिए अच्छा, सुबह सुबह नार मुँह का आप तुम सुबह सुबह निहार मुँह खा ले, जिसम के चर्बी के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, और उसके अलावा ये दांत के सूजन
इसको पतला सा इतना समय का तो इतना सा काट के अपने मुंह में चबा के रख ले, चबाने नहीं है चबा के रख ले, तो ये भी बहुत ही अच्छा है दांत के सूजन के लिए, दांत के दर्द के लिए। ये बड़ा जबरदस्त चीज है। इसमें हर इंसान का मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, हर बीमारी का इलाज दिया हुआ है, कुछ भी इसमें बुराई नहीं है, जबरदस्त चीज है। तो मैं कहता हूँ ये आपको खा ले तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। निहारमू जरूर खा ले, निहारमू ये उम्मीद ना थोड़े, ये नहीं है कि मैंने एक दिन खा लिया मुझे फर्क नहीं, 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 इस तक नहीं होता ना एक दिन के। तो ये खा ले तो आप लोग को पता चल रहा है कि आज यहाँ पे सूजन है, इसलिए दांत की वजह से कीड़े हैं, तो बचपन में खाए थे जुगली तो ये हाल हुआ हम लोग का मीठा चीज का। आज ये देखे ये मीठी चीज की वजह से हुआ। अभी मैंने सारा शॉपिंग करके मतलब कुछ लेने थे वो ले लिया, अभी जा रहा हूँ घर की तरफ। टाइम तो हो रहा है 9:47, लेट तो हो गया खैर। तो मैं कहता हूँ आज खुशबू भी कराची का आ रहा है और मौसम भी तब्दील हो गया, बड़ा मज़ेदार मौसम हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी की तरफ जा रहा है मौसम, पता चल रहा है कि अभी सर्दी है, तो इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ घर की तरफ उस तरीके। तो इंशाल्लाह अभी जा रहा हूँ इंशाल्लाह घर की तरफ। कहते ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, साव लगे सितंबर के महीने में, पहले दिसंबर के महीने में सर्दियाँ होते थे लोग कोट पहनते थे, अभी तो दिन को गर्मी है रात को सर्दी है, तो ये जुकाम बुखार गला खराब तो आम हो गया। तो अभी मैं इस टाइम मैंने खिड़कियाँ खोले गाड़ी के, बड़ा मज़ा दे रहा है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, मैं क्या कहूँ बड़ा मज़ेदार मौसम है। अभी मैं तो जा रहा हूँ घर की तरफ खैर इंशाल्लाह, रास्ते में रहेंगे इंशाल्लाह, देखते जाइए। और ठीक है दोस्तों अभी मैं जाऊंगा कोई आइसक्रीम लेने, भांजे ने आइसक्रीम का डिमांड किया हुआ है, बोलते हैं कोई चटिंग वाला आइसक्रीम, पता नहीं वो क्या चीज़ है, तो बाद में पता चला कि चटिंग वाला नहीं, ये बोल रहे हैं चटिंग नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं वो नहीं वो डंडे वाला आइसक्रीम, वो वाला आइसक्रीम चाहिए था। अभी मैं यहाँ पे मुबारक चौक के साथ आया हूँ, यहाँ पे कोई आइसक्रीम देखता हूँ कोई हम लोग को वो चटिंग वाला आइसक्रीम मिल जाए तो वहीं से इंशाल्लाह आइसक्रीम लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप लोग को आगे बताता जाऊँगा इंशाल्लाह, आप लोग देखते जाइए आइसक्रीम भी, वो चटिंग वाला आइसक्रीम वो भी लेंगे। मोहम्मद उमर ने मुझे कहा था कि मेरे लिए चटिंग वाला आइसक्रीम लाओ, तो पहले तो मैं खुद भी कन्फ्यूज हुआ ये क्या चीज़ है चटिंग वाला आइसक्रीम, तो बाद में पता चला चटिंग वाले आइसक्रीम का मतलब है कि वो डंडे वाला आइसक्रीम। ठीक है दोस्तों, ग्यारह दाने निकालो। कितने का दाना, कितने का 20 का दाना, 30 का दाना हो गया। ओ वह चलो सही महंगे दौर है। अभी आइसक्रीम लेके वापस गाड़ी में आया, मैं मुबारक चौक स्पिनी क्वेटा से निकल गया हूँ, तो रोड क्रॉस करना थोड़ा बड़ा मुश्किल है क्योंकि हाथ में लाठी तो मुश्किल है रोड क्रॉस करना, क्योंकि यहाँ पे अभी तो ट्रकों का भी टाइम हो गया, सारे ट्रक निकल जाते हैं इस टाइम। आइसक्रीम लेके अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, तो खाना भी मैं नहीं खाया अभी तक इंशाल्लाह। क्वाइटे का तो आप लोग को पता है ना, 10:30 के बजे के उसके बाद सारा बाजार बंद हो जाता है। मैं कहता हूँ जो है हम लोग का लियाकत बाजार है वो तो मैं कहता हूँ तकरीबन 8:30 बजे बंद हो जाता है, ये जो मैं स्पिनी रोड में जा रहा हूँ ये तो तकरीबन हो जाता है तकरीबन 10 बज गया, सारे बाजार ही बंद है, खुलते भी 12-1 बजे खुलते हैं और बंद भी होते तकरीबन 9:30-8:30 बंद हो जाते हैं। मैं आप लोग विजिट कराऊंगा, आप लोग देखते जाइए। खैर
खुलती भी देर से हैं और बंद भी देर से होते जल्दी होते हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा। खैर मैं तो अभी वहाँ से निकल के भी जाऊँगा, खाना नहीं खाया, अभी घर में जा के खाना खाऊँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भूख तो खास तो नहीं लगा है, तो इंशाल्लाह। पहले भी मैंने कहा था कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोबारा मैं फिर से कह रहा हूँ इंशाल्लाह, तो मेरे नए नए वीडियो आप तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मैं